नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पीएम की फटकार के बाद स्वामी को याद आए श्री कृष्ण के गीता के उपदेश। कल पीएम मोदी ने सुनाई थी खरी खरी, आज जेटली भी पीएम से करेंगे स्वामी की शिकायत। पंपोर आतंकी हमले में खुलासा, हमले के पीछे हाफिज सईद के दामाद खालिद वलीद का हाथ। कुपवाड़ा में जारी एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। तंजील अहमद हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुनीर गिरफ्तार, गाजियाबाद से हुई गिरफ्तारी, अब हत्याकांड में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इंजीनियर से गैंगस्टर बने कुमार पिल्लई को 15 साल बाद भारत लाया गया। पिल्लई पर हत्या के करीब 8 मामले दर्ज। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी परिवार, कहा मोदी के मन की बात कड़क चाय की तरह, काले धन को लेकर उठाए सवाल। मुंबई के वर्ली थाने में नशे में धुत लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, 10 मिनट तक थाने में मचाया कोहराम। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेलगाम नेता सुब्रमण्यम स्वामी के साथ, जिन्हें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरी खरी क्या सुनाई कि बीजेपी सांसद को भगवान श्री कृष्ण याद आ गए। स्वामी ने मंगलवार सुबह ट्विटर पर श्री कृष्ण के उपदेश को याद करते हुए सुखे दुखे का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने इसके साथ ही दुनिया में संतुलन के सिद्धांत की भी चर्चा की। स्वामी ने ट्विटर पर लिखा कि यह दुनिया एक सामान्य इक्विलिब्रियम है, पैरामीटर में एक छोटा बदलाव भी सभी वेरिएबल्स को प्रभावित करता है, इसीलिए श्री कृष्ण का उपदेश है सुखे दुखे। आपको बताते हैं कि इससे पहले कल पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि किसी को भी पार्टी लाइन नहीं तोड़नी चाहिए, अगर कोई पब्लिसिटी के लिए ऐसा बयान दे रहा है तो ये गलत है, कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। यही नहीं, आरबीआई चीफ का पक्ष लेते हुए पीएम ने रघुराम राजन को देशभक्त भी बताया था। वहीं आज इस मसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पीएम मोदी से मुलाकात कर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत करेंगे। और अगली खबर काफी हैरान और परेशान कर देने वाली है। खबर है कि पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के पीछे हाफिज सईद के दामाद खालिद वलीद का हाथ था। सूत्रों के मुताबिक खालिद पाकिस्तान में अपने हैंडलर सैफुल्ला साजिद जट उर्फ नोमी के संपर्क में था। इस हमले में शनिवार को 8 जवान शहीद हो गए थे, जबकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि पंपोर में आतंकी घटना का मास्टरमाइंड हाफिज का दामाद खालिद ही है, और इस मामले में दक्षिणी कश्मीर का लश्कर कमांडर अबू दुजाना ने उन आतंकियों को स्थानीय मदद मुहैया कराई थी। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि हमले में पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर पर शामिल है। शीर्ष सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले समेत भारत के खिलाफ विदेशों में चलाए जाने वाले लश्कर के अभियानों के लिए वलीद को हाफिज सईद ने ही प्रशिक्षित किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर आतंकियों के निशाने पर बना हुआ है, और सीआरपीएफ काफिले पर हमले को अंजाम देने के बाद लश्कर ए तैयबा ने घाटी में कई और हमलों की नापाक योजना बनाई है, और अभी भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें एक आतंकी के मार गिराए जाने की भी खबर है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। आपको एनआईए अफसर तंजील अहमद हत्याकांड याद होगा। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मुनीर को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर मुनीर को गाजियाबाद से पकड़ा। हत्या में नाम सामने आने के बाद से ही मुनीर फरार था। मुनीर पर 2 लाख का इनाम था। फिलहाल पुलिस उससे ग्रेटर नोएडा के किसी अज्ञात स्थान पर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मुनीर गाजियाबाद में अपने 2 साथियों के साथ छिपा हुआ था। आपको बता दें कि 3 अप्रैल की रात जब शादी से लौटते वक्त तंजील अहमद की बिजनौर में हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी को भी अपराधियों ने गोली मारी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई थी, जिसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने मुनीर के 2 साथी रियान और शादाब को गिरफ्तार किया था। वैसे इस मामले में पुलिस शुरू से ही प्रॉपर्टी विवाद और आपसी रंजिश से पुलिस इस मामले को जोड़कर देख रही है, लेकिन अब मुनीर की गिरफ्तारी के बाद कई और राज सामने आने की उम्मीद है। और अब बात एक ऐसे गैंगस्टर की जो पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बन गया डॉन। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर कुमार पिल्लई की, जिसे करीब 1.5 दशक बाद बीती रात मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई लाया गया। पिल्लई को पूरी सुरक्षा में मुंबई क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर में रखा गया है। कई संगीन मामलों में वांटेड कुमार पिल्लई को फरवरी महीने में सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया गया था, और तब से ही उसे भारत लाने की अदालती कार्रवाई की जा रही थी। बताया जा रहा है कि कुमार पिल्लई इंजीनियरिंग पास है, और उसने अपने तस्कर पिता की हत्या का बदला लेने के इरादे से वो अमर नाइक गिरोह में शामिल हुआ था।
कुमार पिल्लई के पिता की हत्या अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने करवाई थी। पिल्लई देश से फरार होने के बाद कई सालों से सिंगापुर में रह रहा था। वहां दिखावे के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार चला रखा था। उसी की आड़ में वो अपना काला कारोबार चलाता था। वर्ष 1990 में मुंबई से फरार होने से पहले पिल्लई को केवल एक बार गिरफ्तार किया गया था और बाद में वो जमानत पर छूट गया था। अब मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी पिल्लई से उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो अभी तक रहस्य बने हुए हैं। और अब अगली खबर राजनीति से। शिवसेना ने एक बार फिर पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कालेधन को लेकर अपनी राय जाहिर की थी। इस पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री से उनके चुनावी वादे को लेकर सवाल किया कि आखिर सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में कितने देशवासियों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करवाए हैं। संपादकीय में पार्टी ने लिखा कि राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए चुनाव से पहले काले धन की वापसी की महत्वपूर्ण घोषणा का क्या हुआ। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए शिवसेना ने लेख का शीर्षक चाय से ज्यादा केतली गरम मन की बात दिया है। शिवसेना ने काले धन को केंद्र में रख कर लिखा है कि देश बदल रहा है लेकिन हमें चाय मुफ्त नहीं चाहिए। चुनाव से पहले जो वचन दिया था उसके अनुसार हमारे बैंक खाते में 15 लाख रुपए कब जमा करते हो यह बताओ। वैसे इससे पहले भी शिवसेना केंद्र सरकार को लेकर कई बार हमलावर रह चुकी है। और अब खबर मुंबई से, जहां वर्ली थाने से एक युवती के हंगामे का वीडियो सामने आया है जिसमें पूरी तरह नशे में धुत लड़की पुलिस स्टेशन में कोहराम मचा रही है। मामला 16 जून का है जब इस युवती ने तेज रफ्तार गाड़ी को डिवाइडर पर चढ़ा दिया था और इसके बाद पुलिस वाले उसे और उसके दोस्तों को थाने लेकर आए थे। थाने आते ही लड़की का गुस्सा फूट पड़ा और जिसके बाद उसने थाने को सर पर उठा लिया। इस दौरान उसने पुलिस वालों को ना सिर्फ गालियां दी बल्कि उनकी कॉलर पकड़कर थप्पड़ भी जड़ दिए। उसके साथ पकड़े गए 3 दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन लड़की नहीं रुकी। करीब 10 मिनट तक चले इस हंगामे के दौरान युवती ने पुलिस स्टेशन की खिड़की का कांच तोड़ने के अलावा वायर उखाड़ दिए और कंप्यूटर भी तोड़ दिए। तो ये वीडियो आया है मुंबई के वर्ली थाने से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।